हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड, वी आर लर्निंग EVS 1 लेसन नंबर 7, द रिमेनिंग पार्ट 2. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. सो जस्ट एज देयर इज अ वैरायटी इन द फुटस्टेप्स वी यूज, देयर आर डिफरेंसेस इन पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. वी टेंड टू ईट the items we like again and again, and we also tend to always avoid what we don't like. However, the most important thing is to ensure that the food related needs of our body are all being met. So what's in this paragraph? Anyway, this is the lesson of food and nutrition. You know very well that the food we eat for our energy and for the growth of our body and all the requirements what our body needs, we get from the food we eat. Here also in this paragraph it is told that what the food, variety in food actually, there is a variety in the food we eat. different type ka food hum khate hain aur humko jo pasand hai wo khate hain aur jo pasand nahi, jo pasand hai hum bar bar khate hain aur jo pasand nahi hum avoid karte hain. Aur लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे बॉडी को जो ग्रोथ के लिए और नरिशमेंट के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट्स है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो फूड से हमें मिलते हैं, वो हमको मिलना चाहिए. दैट्स इट. द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आवर फूडस्टफ्स इन वेरिंग क्वान्टिटीज. और जो भी फूड हम खाते हैं ना, उसमें हमारे बॉडी को जो भी एसेंशियल यानी जो आवश्यक ये होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए, वो हमको मिलते हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो लुक डाउन द पॉइंट्स. नंबर वन, सम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स. वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग, ऑल्सो वर्क लाइक रेस्पिरेशन and digestion of food goes on inside our body. The body needs energy for all this work. In the first point, those constituents present in the food, जो भी constituents वो present रहते हैं food में, so वो सब भी necessary है. जैसे कि हमको energy चाहिए किसके लिए, खेलने के लिए, work करने के लिए और बाकी का काम करने के लिए, तो हमको वो constituents से मिलते हैं जो food में available है. उसी तरह से हमारे रेस्पिरेशन और डाइजेशन के जो वर्क है जो थ्रू आउट द बॉडी इनसाइड द बॉडी चलते रहता है, उसके लिए भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत है जिसके कारण ये सब वर्क स्मूथली चलता रहे. नंबर टू, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी दैट टेक्स प्लेस इन एवरी डे वर्क. एट द सेम वे यस, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, करेक्ट. एंड उसी तरह से हमारे बॉडी में जो भी टूटता फूटता है वर्क करने के कारण, खेलने के कारण या कुछ एक्सट्रीम के कारण, वो भी उसकी भरपाई ये फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं एवरीडे, ये होते रहता है. अनदर पॉइंट, सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू नरिश योर बॉडी. दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंसेस दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. इन द नेक्स्ट पॉइंट, अभी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं वो हमारे बॉडी को नरिश करते हैं यानी उसको पूरा पोषण देते हैं जो हमारे बॉडी को होना चाहिए जिसके कारण हम हेल्दी रहते हैं, और वो एक प्रकार से हमारे बॉडी में स्टोर क्रिएट करते हैं जिसके कारण वो सब्सटेंसेस वहाँ पे एनर्जी को, जो एनर्जी वो सब्सटेंसेस से हमको मिलती है वो वहाँ पे स्टोर होती है और वो ऑल डे हमको मिलते रहती है काम करने के लिए. अनदर पॉइंट, सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेसेसरी फॉर सर्टन स्पेशल रीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक आर बोन्स स्ट्रॉन्ग, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिजीज. उसी तरह से सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, हमारे जो फूड में अवेलेबल है वो स्पेशल रीजन्स के लिए काम करते हैं जो हमको चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए. जैसा कि एग्जाम्पल भी है कि हमारे बोन्स जो हमारे बॉडी में होते हैं जो हमको स्ट्रक्चर दे दे,
वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूंट्स फूड में होते हैं जिसके कारण वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जल्दी टूटते फूटते नहीं है, फिर घिसते नहीं है। और इसी तरह से क्या होता है, फिर हमको और कुछ बॉडी में जो जम्स जाते हैं, डिजीज़ के जम्स एंटर करते हैं, उनसे भी फाइट करते हैं। अनदर पॉइंट, एंड फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और ये सब फंक्शंस का अच्छे तरह से बॉडी में काम होने के लिए, चलते रहने के लिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टॉप होती नहीं है कभी भी, ये स्मूथली होने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अनदर थिंग इज़ दैट इफ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी, सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। अभी हमारा बॉडी जो है काम करने के लिए अच्छे तरह से काम करना चाहिए, इसके लिए हमको सबसे ज़रूरी क्या है, हेल्दी रहना चाहिए सबसे पहले। और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारे डाइट, हमारे जो खाना है रोज का, उसमें सब प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। सो वी गेट ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज, दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ्स इन आवर डेली मील्स। सच अ डाइट एंश्योर्स प्रॉपर नरिशमेंट फॉर आवर बॉडी। एंड ये जो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है हर काम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ्स हमको मिलते हैं, ओके, ये सब फूड से हमको मिलते रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे खाने में डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ्स रखते हैं, और जिसके कारण हमको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते रहे जो हमारे बॉडी को नरिश करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, प्रिजर्विंग द नरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले अभी ये ज़रूरी है कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स है तो उसमें नरिशमेंट होना चाहिए, उसको कैसे प्रिजर्व करना, उसको कैसे बनाए रखना वो नरिशमेंट को। सो देर आर सम पॉइंट्स गिवन, व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड, वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट। अभी फूड बनाते वक्त हमको बहुत स्पेशल केयर लेना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते बनाते क्या होता है कि बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें हैं, विटामिन्स जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज नीडेड और इज़ नेसेसरी। सबसे पहला पॉइंट है कि फूड में जब पकाते हैं उसको कुक करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, हमको उतना ही पानी डालना चाहिए उतना उसके लिए ज़रूरी, ज़्यादा पानी डालना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ द प्रेशर कुकर और कवर द फूड विद अ लीड व्हाइल कुकिंग इट। दूसरा पॉइंट है कि जब हम खाना बनाते हैं ना उस टाइम पे उसको ढक कर रखना चाहिए, तो प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए उसको, दैट इज़ द बेस्ट वे, और नहीं बनाए तो फिर उसके ऊपर ढक्कन रख देना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर, नाउ यू सी हियर द पिक्चर, देर इज़ अ गैस स्टोव एंड देर इज़ ऑन द गैस स्टोव देर इज़ अ कुकर, कुकर रखा हुआ दिख रहा है, ये किचन का सीन है। सो कुक द फूड इज़ कुक दिस वे। अनदर पॉइंट, स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम, यूज देम व्हाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल, डू नॉट वेट फॉर देम टू ग्रो लॉन्ग। एंड स्प्राउट पल्सेस का यूज़ करना चाहिए, स्प्राउट पल्सेस यानी जिसके अंकुरित होते रहता है, जो फूड जैसा है, मटकी है, मोथ बीन्स राइट, या फिर ग्रीन ये है राइट, सो एनी मूंग है और बाकी के बहुत से है ऐसे पल्सेस जिनको स्प्राउटेड होते रहते हैं, उनको जो स्मॉल स्प्राउट रहते तभी खाना चाहिए, बड़े नहीं होने देने चाहिए। अनदर पॉइंट इज दैट यूज़ होल ग्रेन फ्लावर विदाउट सिफ्टिंग, और जो भी आटा हम यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए, बागरी बनाने के लिए, उसको कभी भी छानना नहीं चाहिए। अनदर थिंग इज़ दैट ईट फ्रूट्स लाइक चिक्कूज, पिक्स, ग्रेप्स, एप्पल्स अलॉन्ग विद द स्किन्स। Besides, vegetables like carrots, radishes, cucumbers, beetroot should be eaten raw in the form of salads. दूसरा है कि जो fruits है चिक्कू के जैसे, figs है, grapes है, apples है, इनको skin के साथ ही खाने चाहिए, उनका skin कभी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि skin में ज़्यादा
विटामिन होता है। उसी तरह से जो वेजिटेबल्स है जैसे कैरेट्स है, रेडिशेस है, मूली वगैरह, कुकुम्बर्स, राइट, बीट रूट, इनको भी कच्चा ही खाना चाहिए सैलेड में। सो वेन एवर पॉसिबल मिक्स टू और थ्री फूडस्टफ्स इन अ डिश, फॉर एग्जाम्पल एड अनियंस एंड पोटैटोस टू उसल्स, एड ड्रम स्टिक्स टू करीज, एड सम सोप दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स। तो जैसे जैसा पॉसिबल है उस तरह से हमको टू या थ्री फूडस्टफ्स एक साथ मिक्स करके पकाना चाहिए, एक डिश में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया है इसमें ये अनियंस और पोटैटोज, इनको उसल में डालना चाहिए, इनकी उसल बनाना चाहिए। उसके बाद ड्रम स्टिक्स होती है वो शेवगा की सिंग बोलते हैं उसको, वो उसकी उसको करीज में डालना चाहिए, ऐड करना चाहिए, यानी जो दाल वगैरह बनाते उसमें ड्रम स्टिक्स डालना चाहिए। और कुछ दालें भी वेजिटेबल्स में मिक्स करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेगा और विटामिन भी मिलेगा। नाउ अ टंग फॉर टेस्टिंग, जो टंग होती है हमारी वो टेस्ट करने के लिए होती है, और इसीलिए ये फूड स्टफ्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और स्पाइसी बनाए जाते हैं। एज यूजुअल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग, मोनिका ताई सेड शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट अ टंग। एज वी ड्रिव क्लोजर टू हर शी सेड हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर, जस्ट ट्राई दिस, च्यू एंड आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, द वाटर टेस्ट स्वीट। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है पैरा में कि ऑलवेज की तरह या एज यूजल वो क्या करें गार्डन में जमा हो गए इवनिंग में ये सब बच्चे। तो मोनिका थे जो थी उनके सबसे बड़ी जो उसने उनको उन्होंने बोला कि देखो अभी मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि एक फनी एक्सपेरिमेंट है कि कोई भी जो वाटर है वाटर उसमें कोई भी स्वीट मिलाए बिना यानी शुगर मिलाए बिना वो स्वीट कैसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, आंवला जो होता है ना उसको च्यू करना चाहिए, खाना चाहिए उसको च्यू करके, और उसके बाद में पानी पीना चाहिए, तो पानी कैसा लगेगा स्वीट लगेगा। इस तरह से एक्सपेरिमेंट। नाउ रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मेरी, देन बालू सेड वी लर्न जस्ट लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट। मेरी ने बोला कि यह तो मुझे पहले मालूम नहीं था, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई केम टू नो। और बालू ने क्या बोला कि ये लास्ट ईयर में हमने सीखा था कि टंग हमको कैसे हेल्प करती है टेस्ट बताने के लिए, टेस्ट दिखाने के लिए। लेकिन ये एक ही टंग इतने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कैसे बता सकती है। तो सुभाष पाइप्ड अप, सो डू यू वांट डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट, दैट मेड एवरीवन लाफ। एंड मोनिका ताई सेड बालू वी हैव ओनली टू आईज एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम, सो वन टंग कैन ऑल्सो टेल अस मेनी टेस्ट। सो एज बालू रेज दैट क्वेश्चन अबाउट द टंग दैट हाउ कैन वन टंग टेल द डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सो मेनी टेस्ट, तो सुभाष ने क्या बोला उसके इसमें कि देखो यानी तुम लोगों को क्या तुमको क्या अलग अलग टंग चाहिए फिर अलग अलग स्वाद लेने के लिए टेस्ट लेने के लिए, इससे सब हंसने लगे। और मुनिका ने बोला कि देखो हमें टू आईज है ओनली, वी हैव ओनली टू आईज, लेकिन हम कितने कलर्स देख सकते हैं, सो मेनी कलर्स, थाउजेंड्स ऑफ कलर्स, हंड्रेड्स ऑफ कलर्स, सो मेनी थिंग्स वी सी एट द सेम टाइम विथ ओनली टू आईज। तो एक टंग से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं, इसके लिए हमको डिफरेंट टंग की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ऑब्जर्व दिस, सो व्हाट इज दिस, वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। वन एक्सपीरियंस इज गिवन टू यू, व्हाट इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश योर माउथ एंड क्लीन योर टंग फर्स्ट, राइट, वाइल वॉशिंग योर माउथ। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड जस्ट टेक आउट योर टंग एंड सी हाउ इट लुक्स। तुमको मिरर के सामने खड़ा होना है मुंह धोने के बाद में और टंग धोने के बाद में, और
टंगू निकाल के देखने का है कि वो कैसे दिखती है। यू विल सी टाइनी पिक्स ऑन द टंग, दे आर कॉल्ड टेस्ट बड्स। दिस टेस्ट बड्स टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। और व्हाट विल यू सी, अगर केयरफुली तुमने वो टंग को देखा तुम्हारे विरल में, तो तुम क्या देखेगा? उसमें पिक्स दिखेंगे, टाइनी पिक्स, यानी थोड़े थोड़े ऐसे काटे जैसे उसके ऊपर रहते हैं छोटे छोटे। तो यही उसको टेस्ट बड्स कहते हैं, जिसके कारण हमको पता चलता है कौन से थिंग की कैसी टेस्ट है। नाउ नो द डिफरेंट टेस्ट। अभी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किस तरह से हमको टेस्ट मालूम करना है, लेट अस सी हाउ द टंग टेल्स अस द डिफरेंट टेस्ट। कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। हमें इसमें देखना है कि एक टंग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमको कैसे बताती है। ये फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स हैं। लुक नाउ, शुगर कैंडी और जैगरी। शुगर कैंडी और जैगरी का टेस्ट स्वीट होता है, ये भी हमको टंग बताती है। सॉल्ट, उसका सॉल्टी टेस्ट होता है। फेन्युग्रीक, मेथी सीड्स, उसका थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। तो पीस ऑफ एंड आंवला, इसका क्या होता है? इट्स अ सावर। एंड टैमरिंड और लेमन, दीज आर ऑल्सो सावर। ये आंवला का थोड़ा सावर एंड बीटर, ये दोनों भी टेस्ट होते हैं। नाउ टेस्ट ईच ऑफ दिस थिंग्स आफ्टर यूजिंग ईच वन। रिंस योर माउथ एंड विथ वाटर, वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन। कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। What is that now? Another experiment is given to you. The list you have given above now, जो हमने अभी पढ़ा है ना names substances के, उनका तुमको क्या करने का है? टेस्ट लेने का है और एक टेबल बनाने का है। उसके बाद में एक चीज़, एक सब्सटेंस खाने के बाद में तुमको ये करना है, रिंस करना है माउथ को, वाटर से धो लेने का है, और बाद में दूसरी चीज़ खाने का है, फिर और उसको धोने का है। इस तरह से सब सब्सटेंस का टेस्ट लेने का है, राइट? यानी 2-2 मिनट्स के गैप के बाद में हर एक सब्सटेंस का टेस्ट लेने का, और उसका टेस्ट उनको नीचे के टेबल में भरना है। ऐसे टेबल तैयार करने का, देखो सीरियल नंबर इज गिवन, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 1 में क्या दिया है? शुगर कैंडी, फूडस्टफ्स, द नेम ऑफ द कॉलम इज फूडस्टफ्स, शुगर एंड कैंडी। अभी टेस्ट इसका बताना है तुमको, राइट? तो इस तरह से ये सब पूरा टेबल भरकर ये होमवर्क के इसमें भेजने का मुझे, राइट? नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। व्हाट यू कैन सी, द डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट? लेमन है, देन टैमरिन है, बिटर गॉर्ड, जैगरी एंड आंवला। ऑल दिस थिंग्स आर ओके, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ प्ले अ गेम। गेम को प्ले करना है एक, 4 or 5 ऑफ यू कैन प्ले दिस गेम टुगेदर। 4 or 5 स्टूडेंट्स मिलकर ये गेम कर सकते हैं। अभी तो तुम नहीं कर सकोगे बिकॉज यू आर एट होम। 1 पर्सन इज द आई टी, ईच वन ऑफ द अदर्स टेल्स ईट। 1 पर्सन इज द ईट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल सपोज हिज नेम इज ईट, ओके, और उसको सब ईट करके बुलाएंगे, ओके, एंड द नेम ऑफ अ फूडस्टफ। फॉर एग्जाम्पल रॉ मैंगो, ग्रीन चिली, चटनी, रॉक सॉल्ट, बूंदी, लड्डू, खारी बूंदी, चिक्कू मेडिसिन एक्सेट्रा। इसके अबे क्या करने का है? नेम बताने का है। द चाइल्ड हु इज इट मस्ट शो माइमिंग व्हाट इट टेस्ट लाइक। वो क्या करेगा? माइमिंग यानी जैसे टेस्ट लेके देखने का उसका एक्शन करेगा, ओके। टेक टर्न्स टू बी ईट, और इसका उसको बताना पड़ेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। व्हेन एवरीवन हैज हैड ए टर्न एट बीइंग ईट, द गेम इज फिनिश्ड। तो हर एक को ये करने का है, हर कोई ईट बनेगा, एंड उसका नाम ईट रखा जाएगा। और ये जो भी 4-5 प्लेयर होंगे इसमें, ये सब मिलकर ये गेम खेलेंगे, और हर कोई उसमें ईट बनेगा, और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट थिंग को टेस्ट करेगा। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड नाउ इन दिस लेसन, अप टू नाउ वी हैव लर्न्ड दिस पॉइंट्स। लुक हियर, आवर डाइट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट फूड आइटम्स। हमारा जो डाइट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं। नंबर 2, देयर इज ग्रेट वैरायटी इन द फूडस्टफ्स वी यूज़
टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज. हम डिफरेंट डिफरेंट फूडस्टफ्स का यूज़ करते हैं कि हमको डिफरेंट डिफरेंट डिशेज में. नंबर थ्री, द फूड कॉन्स्टिट्यूंस दैट मीट और फूड रिलेटेड मील नीड्स आर प्रेजेंट इन दिस फूडस्टफ्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. और जो भी फूड कॉन्स्टिट्यूंस फूड में होते हैं, जो हमको हम खाते हैं, हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में यानी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में हमको वो मिलते हैं हम जब खाते हैं फूडस्टफ्स. अनदर पॉइंट, आवर फूड रिलेटेड नीड्स आर मेड इफ आवर बॉडी गेट्स ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज. और हमारे बॉडी की जो भी नीड है, जिसको वो चाहिए, वो सब ये फूडस्टफ्स से मिलती है और वो राइट क्वांटिटीज में मिलती है. एंड आवर टेस्ट बर्ड्स हेल्प्स अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट. और हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पर, उससे हमको टेस्ट के बारे में पता चलता है. नो ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा याद रखने का है, आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूडस्टफ्स. तो तुम लोगों के लिए ये है कि हर तरह का फूडस्टफ्स खाना चाहिए. हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, अगर तुमको हेल्दी बने रहना है तो तुम्हारे खाने में सब प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दालें और एवरीथिंग होना चाहिए एवरी डे, राइट. नाउ ये एक्सरसाइज करने का है तुम लोगों को. नाउ लेट मी सी दैट फर्स्ट, व्हाट्स द सॉल्यूशन. सुमेध एंड मधुरा डू नॉट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ऑन द डे देयर मदर कुक्स लीफी वेजिटेबल्स, दे स्कीप देयर मील्स. ये घर की बात है कि सुमेध और मधुरा नाम के जो जो भाई बहन हैं, उनको वेजिटेबल्स की डिश पसंद नहीं. लीफी वेजिटेबल्स जो पत्ते की सब्जियाँ रहती है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो जब भी उनकी मदर वो लीफी वेजिटेबल बनाती है, तो वो खाना नहीं खाते. सो यूज योर ब्रेन पावर नाउ. इज अ थाली पीठ मोर नरिशिंग दैन भाकरी मेड ऑफ ओनली जौर और बाजरा फ्लावर. ये तुम्हारा ब्रेन यूज़ करके बताने का है कि थाली पीठ या फिर बाजरे की भाकरी, ये बाजरे की या जौर की या जो भी भाकरी बनती है, ये इनसे ज़्यादा नरिशिंग है क्या थाली पीठ से. दूसरा है, इफ़ यू ऐड क्रश पीनट्स और फ्रेश कोकोनट टू अ डिश, विल इट मेक द डिश मोर नरिशिंग. अगर हमने क्रश पीनट्स यानी इसको क्या बोलते हैं, उसको जो दाने हैं, राइट, सिंग दाना, उसको बारीक कर या फिर फ्रेश कोकोनट को बारीक करके डिश में डाला है, तो उसको ज़्यादा नरिश हो जाएगी क्या वो डिश, यानी ज़्यादा विटामिन मिलेगा क्या उसको. नंबर थ्री है, व्हाई डू वी स्क्वीज लेमन जूस ऑन टू राइस एंड दाल. दूसरा क्वेश्चन है कि राइस और दाल में हम लेमन जूस क्यों, लेमन को क्यों स्क्वीज करते हैं, उसका जूस क्यों डालते हैं. नंबर फोर है, विच क्रॉप ग्रोइंग इन द फील्ड कंटेन्स द मोस्ट शुगर. और देखो, कौन सा एक क्रॉप है जिसके कारण जिसमें ज़्यादा शुगर होती है जो फील्ड में ग्रो होता है. तो इस तरह से फाइंड आउट हाउ दही इज मेड फ्रॉम मिल्क और हाउ मॉथ बीन्स मटकी आर स्प्राउटेड. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट थिंग्स. यू हैव टू डू ओनली दिस वन. लुक, आई एम शोइंग यू फ्रॉम द कैमरा, थ्रू द कैमरा. दिस क्वेश्चन टू बी राइट. देन फिल इन द ब्लैंक्स. सी दैट नाउ, विच एन आई एम गिविंग यू नो, यू हैव टू डू दैट होमवर्क. एंड अनदर थिंग इज मैच द फॉलोइंग एंड लाइक दैट. ओके, दिस मच होमवर्क आई एम गिविंग एंड आई होप दैट यू विल कंप्लीट इट एंड सेंड इट ऑन माई वीडियो. ओके.